नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत सरकार ने आकाश मिसाइल सिस्टम्स के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, सुनने में तो ये खबर बहुत ही नॉर्मल सी लगती है, लेकिन इसके पीछे के मायने क्या हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे भारत ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, और साथ ही चीन को क्यों दिक्कत हो रही है भारत के इस फैसले से, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आकाश मिसाइल सिस्टम्स के एक्सपोर्ट के होने वाले फायदे के बारे में जानें, उससे पहले हमें सरकार के इस फैसले के बारे में जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत को जोर दे रही भारत सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब भारत आकाश मिसाइल सिस्टम्स को निर्यात कर सकेगा। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। दोस्तों, ये मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ ने तैयार किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश रक्षा के क्षेत्र में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं बढ़ा रहा है, मिसाइल बनाने की क्षमता भी बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में आकाश मिसाइल सिस्टम को निर्यात करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने बताया कि आकाश के एक्सपोर्ट को गति देने के मकसद से एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि आकाश मिसाइल का जो वर्जन एक्सपोर्ट किया जाएगा वो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल मिसाइल से अलग होगा। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि भारत सरकार रक्षा के क्षेत्र में निर्यात पर फोकस कर रही है, ताकि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को पाया जा सके, साथ ही विदेशी देशों से अपने संबंध और भी मजबूत किए जा सके। दोस्तों, बता दें कि भारत के लिहाज आकाश एक बेहद महत्वपूर्ण मिसाइल है। यह एक ऐसा मिसाइल है जो कि 96% भारत में ही तैयार किया गया है। आकाश मिसाइल जमीन से आसमान तक 25 किलोमीटर की रेंज में वॉर कर सकता है। दोस्तों, कैबिनेट के आज के कदम से देश को दो बड़े फायदे होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश के रक्षा उत्पादों के निर्यात में बड़े प्लेटफॉर्म का हिस्सा काफी कम था। आज के इस फैसले से $5 अरब के रक्षा निर्यात का जो लक्ष्य हमने रखा है उसको पाने में मदद मिलेगी, साथ ही अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने में भी मिलेगी, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में मददगार होगा। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फायदा भारत को होगा, वो खुद आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने समझाया है। दोस्तों, रक्षा मंत्री जी ने साफ कहा है कि आज के फैसले से मित्र देशों के साथ संबंध और मजबूत किए जा सकेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका के करीब 9 मित्र देशों ने इस सिस्टम को खरीदने की इच्छा जताई है। दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों के साथ चीन की तनातनी जग जाहिर है। सरकार ने यह खुलासा नहीं किया है कि कौन से देश ये सिस्टम चाहते हैं। हालांकि क्षेत्र के कई देश चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के रक्षा उत्पादों को पाने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में भारत का सिस्टम इन देशों को मिलने से चीन के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। सूत्रों ने कहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद रक्षा मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनी इन देशों को इस सिस्टम के निर्यात पर आगे का कदम उठाएंगी। तो दोस्तों, यही एक बड़ा कारण है कि चीन को यह फैसले से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो 9 देश इस सिस्टम में रुचि दिखा रहे हैं उनमें से ज्यादातर के संबंध चीन के साथ अच्छे नहीं है। तो दोस्तों, इससे जहां हमारे आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा, तो वहीं चीन को हम घेर पाएंगे। इस सिस्टम को खरीदने वाले देशों से हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।